हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीबीगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं केमिस्ट्री क्लास 12th, चैप्टर नंबर है 9, एमीन्स। तो इसमें पिछली वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे अमीनों की। तो अमीनों की जो केमिकल रिएक्शंस रिमेनिंग हैं, आज उन्हीं का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, इसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो जब एमिनों का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले एमीन, एमीन का जो फार्मूला होता है वो होता है RCH2NH2। तो जब एमीन, ये कैसी एमीन है? प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन की जब KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और वो भी कैसा? एसिडिक, यानी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट हो, उसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो मिलता है RCHN और यहां पर OH। इसे हम बोलते हैं एल्डॉक्सिम। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें यहां से मिलता है RCH और ये O, मींस एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर इसके स्थान पर हम R2CHNH2, ये भी प्राइमरी ही अमीन है, इसका अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, वो भी कैसा? एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, जब इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है यहां से R2CNOH, इतना। तो यहां इसे हम बोलते हैं कीटॉक्सिम। जब इस कीटॉक्सिम का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मींस जल अपघटन कराते हैं, और वो भी मीडियम वही रहेगा, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में ही, तो हमें यहां से मिलता है R2 और ये CO, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RCOR, ये क्या है? कीटोन। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? कीटोन। पहली कंडीशन में हमें एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंड कंडीशन में हमको कीटोन मिलता है। तो ये तो हो गई बात प्राइमरी अमीन्स की। अब अगर हम इनके स्थान पर, इनके प्लेस पर जब सेकेंडरी अमीन का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या मिलेगा? तो यहां पर सेकेंडरी अमीन R और ये NHR, ये रहा। इसका हम इसी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की से ही इसका ऑक्सीडेशन कराएं, और कौन से? एसिडिक मीडियम में। तब इसके दो, यहां पर दो मॉलिक्यूल्स लेने पर हमें क्या मिलता है? यहां पर R N
NH और NH R और ये कितने 2 2, तो यहां से मिल जाएगा R2 और ये भी R2, तो ये कितने मिल गए, यहां से हमें मिले 2A और 2A, टोटल कितने 4। अगर ये होता NH2 NH2 तो यहां पर ये हो जाता कितना, ये हो जाता हाइड्राजीन। फार्मूला होता है इसका NH2 NH2, ये कहलाता है हाइड्राजीन। अगर इसके स्थान पर ये दोनों हाइड्रोजन क्या हुए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, तब ये क्या कहलाएगा और किससे हुए हैं, एल्किल समूहों से, तब इसे हम बोलेंगे टेट्रा एल्किल। ये चार बार है तो चार बार के लिए हम बोलते हैं टेट्रा, तो यहां पर ये हो जाएगा टेट्रा एल्किल, टेट्रा एल्किल हाइड्राजोन, टेट्रा एल्किल हाइड्राजोन। और यहां पर ये बैलेंसी ये एन रहेगा केवल एन, तो ये हो गया आर टू एन बॉन्ड एन आर टू, टेट्रा एल्किल हाइड्राजोन। बात ये क्या है, सेकेंडरी अमीन। बात करें अगर टर्सरी अमीन, तो टर्सरी अमीन क्या होती है, R3N, जिसे हिंदी में बोलते हैं तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन का जब हम एसिडिक KMNO4 से ऑक्सीडेशन कराएं, तो इन कंडीशंस में इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगली अभिक्रिया है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या होता है, इस एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये फार्मूला होता है इसका, कोई भी एरिल समूह लगाना है, तो यहां पर मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन, और इसमें क्या लगाना है, सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये क्या होता है SO2 Cl2, तो यहां पर ये S और ये डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये हो गया एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, या इसका जो नेम है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसे सामान्य भाषा में हिंस वर्ग रीजेंट भी कहते हैं, हिंस वर्ग रीजेंट। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हिंस वर्ग रीजेंट से जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये एमीन्स क्या होती हैं, इसी हिंस वर्ग रीजेंट से अलग अलग बताई जा सकती हैं कि कौन सा जो एमीन है वो प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अमीनों में डिफरेंस करने के लिए इस हिंस वर्ग रीजेंट का यूज किया जाता है। तो यहां पर एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम अगर अमीन से कराएं तो अमीन का फार्मूला क्या होता है, R इधर CH2 और NH2, तो यहां पर एक एच ये और एक एच ये, तो क्या होता है, यहां से ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बाहर हो जाते हैं, ये क्या है, प्राइमरी एमीन। क्या बनेगा फिर, ये बेंजीन ऐसा का ऐसा ही बेंजीन रिंग, ये सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन भी ऐसा का ऐसा ही, क्लोरीन से क्लोरीन के प्लेस पर ये पूरा
यानी एन एच और ये सी एच टू आर, ये क्या बन गया, ये बन गया एन एल्केल, एन एल्केल और बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्केल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसके प्लेस पर अगर एस ओ और ये सी एल, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी क्रिया करानी है हमें किससे, यहां पर एन एच और ये एच, रिएक्शन करानी है सी एस थ्री, तो ये क्या है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन जो कैसा है प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करानी है किससे, हिंसबर्ग रिजेंट से, तो क्या मिलेगा सेम रिएक्शन, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगी और बाकी है वो ऐसा का ऐसा ही, यहां पर क्या बन जाएगा ये एस ओ और ये इसके स्थान पर एन एच, एन एच और ये सी एस थ्री, क्या बन गया ये बन गया एन मेथिल, एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो अगली अभिक्रिया है इसी में, ये तो जो प्राइमरी अमीन है वो हिंसबर्ग रिजेंट से जब क्रिया कर रही है तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना रही है, तो ये अगर हम किसी क्षार में ब्ले करें तो ये कैसी हो जाती हैं, कोई भी बेस हमने लिया तो ये सॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबल इन बेस, जैसे के ओ एच है या एन ए ओ एच है, तो कोई भी क्षार है उसमें कैसी होती हैं, घुलनशील हो जाती हैं, उनमें घुल जाती हैं। बात करें अगर सेकेंडरी अमीन की तो यहां पर ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एस जो कि हिंसबर्ग रिजेंट है, इसकी रिएक्शन करानी है किससे, एच एन एच और यहां पर सेकेंडरी अमीन, तो यहां पर सी टू एच फाइव और ये भी सी टू एच फाइव, ये कैसा हो गया सेकेंडरी अमीन है, या इसका जो नेम है वो है डाई एथिल एमीन। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिजेंट से तो यहां पर भी ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके बाहर निकल जाते हैं और क्या बनाएंगे, ये बेंजीन स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही, यहां पर एस और ये ओ, इससे क्लोरीन तो बाहर निकल गया है और इतना पोर्शन आके ऐड हो जाएगा एन, यहां पर C2H5 और ये C2H5, तो ये क्या बन गया, ये बन गया N, N N से ही जुड़े हैं दोनों, N से ही ज्वाइंट है, तो यहां पर N, N क्या है डाई, क्यों, क्योंकि यहां पर दो बार है, और क्या है एथिल, डाई एथिल और क्या है बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। बात करें अगर यहां पर टर्सरी अमीन हो तब ये हिंसबर्ग रिजेंट
रिएक्शन करानी है किससे? हिंसवर्ग रिजेंट से। किसकी? टर्शरी अमीन की। तो ये C2H5 और ये C2H5, ये हो गया ट्राई एथिल अमीन जो कि है टर्शरी अमीन। तो यहां पर ये क्लोरीन, हमने जो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन थी और सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन थी, तो उनमें देखा था जो क्लोरीन है वो अमीन के हाइड्रोजन से जो कि नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड है उसके साथ रिएक्ट कर ले रहा था। अब यहां पर टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन आगे कंप्लीट होगी ही नहीं, मींस ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। साथ ही साथ हमने ये देखा जो प्राइमरी अमीन थी वो सॉल्युबल थी बेस में, जो सेकेंडरी अमीन है वो जो भी ये बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती हैं ये कैसी होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं, मींस उसमें घुलती नहीं है, ब्ले नहीं होती है इन बेस। और थर्ड जो रिएक्शन है मींस टर्शरी अमीन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं जब हिंसवर्ग रिजेंट की, तो फिर ये रिएक्शन होती ही नहीं है। अगली जो रिएक्शंस हैं वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती हैं? इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये कौन सी रिएक्शन होती हैं? तो ये सारी की सारी रिएक्शन केवल एरोमेटिक एमीन्स ही शो करती हैं। क्या होता है एमीन? वो भी कौन सी? एरोमेटिक अमीन। तो यहां पर ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे अटैच्ड है नाइट्रोजन और ये दो हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब क्या हुआ, इस वाले जो दो ये कार्बन एटम है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसने इस वाले कार्बन एटम ने जो पेयरिंग शेयरिंग का पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन से गया है तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन पर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन एटम को दे देगा कुछ टाइम के लिए कि आपके पास से इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो इन्हें आप ले लीजिए। और क्या होगा, बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी ही, यहां पर डबल बॉन्ड था ये वाला और ये वाला, ये ऐसा का ऐसा ही, यहां पर नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? डोनर एटम है, दाता परमाणु है, तो जो डोनर होता है दाता होता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जिन भी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है या स्थानांतरण होता है तब उनके बीच में जो बॉन्ड है वो डबल क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया था यहां से यहां पर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो इन पर हो गया डबल बॉन्ड। अब माइनस चार्ज है यहां पर, क्या हुआ, इस वाले कार्बन एटम ने इस वाले इन दोनों के बीच में जो कार्बन एटम्स हैं शेयरिंग पाई इलेक्ट्रॉन है उस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जिससे क्या होगा, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज,
तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको यहां पर रेफर कर देगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल। और क्या बनाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड N प्लस चार्ज H और ये H, तो यहां पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर गया है, वो यहां से यहां पर, तो जहां इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है उनके बीच में डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, माइनस चार्ज कहां आया है, इस स्थान पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर हो गई, इस प्लस इस प्लेस पर ज्यादा है अभी। अब ये वाला भी, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स हैं, ये क्या करेंगे, इसमें से ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगले वाले कार्बन एटम्स को ट्रांसफर हो गया, तो जिससे क्या होगा, यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज क्रिएट होगा जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है जो मूव होगी यहां पर, और इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्या बनेगा, ये NH ऐसा का ऐसा ही, यहां पर डबल बॉन्ड था ये ऐसा का ऐसा ही रहा, इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ और माइनस चार्ज आया इस प्लेस पर। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था वो क्या कर रहा है, वापस ले रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे थे, पहले ज्यादा थे, अब कैसे हो गए, कम हो गए हैं, इसने दे दिए थे, तो वो अपना वापस ले रहा है, तो इस वाले पर फिर से कैसे हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यू स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर N और इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो तो अपना एक्सेप्ट कर लिया, तो माइनस चार्ज खत्म हो गया, और यहां पर ये हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे ही, और जो बॉन्ड था वो अब कहां आएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है, तो यहीं पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो हमने यहां पर ये देखा कि ये जहां पर ये ग्रुप लगा है उसके जस्ट नेवर वाला कार्बन एटम, चाहे वो इस पोजीशन पर रहा हो या फिर यहां पर रहा हो, तो ये दोनों ही कैसे हैं, नेवर कार्बन एटम है, तो इन पर जो कि पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, मींस ऑर्थो पोजीशन, और साथ ही साथ ऑर्थो पोजीशन के अलावा हमने ये भी देखा कि इसके बिल्कुल जस्ट सामने फ्रंट साइड में यहां पर जो कि पोजीशन कहलाती है पैरा, तो कौन सी, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, इन दोनों ही प्लेस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज है, मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, मोर है, ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी प्लेस पर ज्यादा है तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो इन्हीं प्लेस पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेंगे, और जो भी सब्स्टिट्यूट फाइंड होंगे वो हमें ऑर्थो और पैरा ही प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।